जैसे आप इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हो, लोगों का कहना है कि हमने ब्लॉग सेटअप कर लिया, हम वेबसाइट अपना बना चुके हैं, उनके मन में तो अभी डाउट चल रहा है कि भाई ब्लॉगिंग अपडेट हो जाएगा AI की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो भी आपने क्लियर कर दिया। करेक्ट। बट आप जो काम करते हो, कैसे करते हो कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये प्रोसेस बताना चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा? श्योर। तो अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में चलिए इसका हम कंप्लीट केस स्टडी करते हैं। पूरा कंप्लीट केस स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है डोमेन। डोमेन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैटर करता है, डोमेन नेम बिल्कुल मैटर करता है। इस पे बहुत ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप कौन से डोमेन, कैसे डोमेन पे वर्क कर रहे हो। लेट सपोज आप एक फ्रेश डोमेन उठा लेते हो जो एकदम नया आपने रजिस्टर कराया, कम से कम आपको वो फ्रेश डोमेन को चलाने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे। ये मैं सच बता रहा हूँ। मैं भी अगर काम करूँगा, टीम के साथ भी काम करूँगा, 4 महीने से पहले मतलब ही नहीं बनता कि उस पर रिजल्ट थोड़ा सा रेंगना चालू करेगा। रेंगना चालू करेगा एंड आपका इन्वेस्टमेंट बराबर लग रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मोस्टली जो मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ उस पर मैं एक्सपायर्ड डोमेन का यूज़ करता हूँ। एक्सपायर्ड डोमेन्स अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो वो डोमेन्स होते हैं कि जो ऑलरेडी पास्ट में यूज़ हो रखे होते हैं किसी कंपनी से, कोई ऑर्गेनाइजेशन से, एंड वो फिर किसी रीज़न की वजह से लोग रिन्यू करना भूल जाते हैं, नहीं करते हैं, कंपनी डेड हो जाती है, कोई लीगल केस हो जाता है कंपनी पे, फाउंडर्स पे, तो वो डोमेन छूट जाता है क्योंकि उस डोमेन पे काम हो रखा होता है। एंड एक्सपायर्ड डोमेन लेने का जो लॉजिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स होता है, और अथॉरिटी अथॉरिटी होता है, ठीक है, किस नीश पे बना था। तो होता क्या है, जैसे आप वो डोमेन लेते हो ना, आपके पास सारे लिंक्स हैं, जैसे ही आप कंटेंट डालना शुरू करते हो क्योंकि लिंक्स थे वो डोमेन चलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया, जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में आपका डोमेन चल सकता है अगर आपके पास इतना इनफ कंटेंट है। क्योंकि लोग अक्सर ये भी गलती करते हैं कि कंटेंट भी धीरे धीरे डालते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट रेडी रखते हैं साइड पे, आपने कितना कंटेंट डाला होगा अभी तक। अभी हम लाइव टेस्ट करके दिखा देते हैं आपको, मतलब इसमें भी फुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि क्या बात है भाई, इस ट्रांसपेरेंसी के लिए भाई लाइक हो जाएगा गाइस। तो जैसा आप देख रहे हो वेबसाइट पे एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ मैं लॉग इन कर रहा हूँ, अनकट एकदम। पोस्ट पे चला जाता हूँ मैं। पोस्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो 185, 1 महीने में लगभग अपने 185 पोस्ट आपने। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट। कोई वेब स्टोरी नहीं है जस्ट इन केस। मतलब अगर डेली देखा जाए तो लगभग 6 पोस्ट, छः सात पोस्ट, छः मतलब ऑनेस्टली मतलब तो हम 6 का नंबर रखते हैं।